छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे विधानसभा नज़दीक आती जा रही हैं चुनाव, वैसे ही वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज़ होने लगी हैं। सूबे में भाजपा ने अपने पत्ते खोलते हुए 21 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, तो वहीं कांग्रेस में अभी दावेदारों की होड़ लगी हुई है। इसी कड़ी में मुंगेली जिले के लोरमी विधानसभा 26 में नए पुराने चेहरे सहित दो दिनों में 17 लोगों ने लोरमी ब्लॉक अध्यक्ष नरेश पाटिल के पास दावेदारी का आवेदन दिए हैं, जिसमें कई बड़े चेहरे भी शामिल हैं। और सभी लोगों का एक ही संकल्प है कि पार्टी एक लोग एक व्यक्ति को टिकट देगी, चाहे जिसको भी दे। हम सभी लोग मिलजुल के इस दफे लोरमी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को जितवाएंगे। हम सबका संकल्प है इस दफे लोरमी में विधायक के टिकट जिसे भी मिले, सब मिलजुल कर एक व्यक्ति के लिए काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को लोरमी विधानसभा से हम लोग विजय दिलाएंगे। अच्छी बात यह रही कि सारे हमारे कार्यकर्ता, गांव-गांव के कार्यकर्ता भी आए हुए हैं और सारे वरिष्ठ जन यहाँ शामिल हैं। सारे जितने शीर्ष स्तर के सारे नेता जो है वो आज आवेदन भी भरे हैं और सब एक साथ अपनी बैठक होगी। इस बैठक में 5 नामों को वो सर्वसम्मति से तय करके बंद लिफाफे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दिया जाएगा और जितने भी फार्म है उसकी लिस्टिंग करके जिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दिया जाएगा।